सभी से विनम्र निवेदन है, जो हमारी मातृशक्ति इस प्रांगण में उपस्थित है कि हम अपने पदाधिकारियों के सम्मान में हम यहाँ पर जब आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचे हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है आधे घंटे के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और 15 या 20 मिनट के बाद हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, उनका पहुंचते ही हम अपना के संघर्ष के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, मंडल अध्यक्ष आदरणीय विकास शर्मा जी, सेवा के सम्मानित मंडल अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुमार राजपूत जी, मेरठ जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय यादव गिरिराम यादव जी और मुजफ्फरनगर जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रीत वर्धन जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी, हम रुड़की के से इस आंदोलन को कर रहे हैं तो उसी ईमानदारी के साथ इस आंदोलन को सरकार समझने का भी काम कर रही है। एलएमओपीएस के रवि शर्मा जी और अन्य उनको लेकर के आ रहे हैं, मनोज सैनी जी हमारे प्रधानाचार्य जी ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसा जोरदार समय में सर्वप्रथम मात्र जहां तक मेरी जानकारी हुई है 31 वर्ष की आयु में ही है। जिला अध्यक्ष रोहित शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी माल्यार्पण कर हमका माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं हमारा साथ दे रहे प्रधानाचार्य देवी इंटर कॉलेज मनोज से स्वागत करने का कष्ट करें, धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष भाई रोहित शर्मा जी, सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष भाई मनमोहन शर्मा जी और इस हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही जानदार और शानदार नेता बड़े भाई हरक सिंह जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। धन्यवाद। वास्तव में ये प्रथम चरण में उपस्थित सभी एनपीओएस और अन्य संगठनों के पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित जुझारू पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आज आप सबके बीच में मैं अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, विशेष करके इसलिए कि जब मैंने इंटर किया और गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिया 1981 में, तो चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय हो, आगरा विश्वविद्यालय हो, रुहेलखंड विश्वविद्यालय हो, छात्र और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुझे आज भी याद है कि जब वीर बहादुर जी ने लखनऊ में शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवाया था उसके विरुद्ध में श्रीनगर गढ़वाल में एक ऐतिहासिक जुलूस के हमने शिक्षकों के साथ उस दिन हमने गिरफ्तारी दी थी, जहां अंशकालिक टीचर्स का आंदोलन रहा हो, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मैंने 6 साल तक जब मैं मंत्री बन गया उत्तर प्रदेश में 91 में, तब जाके वो मैंने मुकदमा वापस लिया
और 6-7 सालों तक हमने अंकारी टीचर्स का वो मुकदमा झेला है। राजस्व विभाग की चाहे लड़ाई रही हो, कटपटवाइयों की, लेखपाल की लड़ाई रही हो, हॉर्टिकल्चर के कल्चर के कर्मचारियों को, कृषि विभाग के कर्मचारियों की लड़ाई रही हो, पिछले 40 सालों में हमने उस लड़ाई को आपके भाई और आपके बेटे के रूप में उस लड़ाई में हमने सहयोग किया। मैं सीईओ इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कई IAS अफसर और मेरे जब कभी पुराने साथी मिलते हैं तो मैं उनसे कहता हूं भैया सबसे छोटा मैं हूं। और एक बार ऐसा ही हुआ, मैं गेम्स का उद्घाटन के अवसर पर गुलाम नबी जी भी थे इस केस के मंच पर, तो मैंने उस समय जब हम साइंस लेते थे, बायोलॉजी ग्रुप लेते थे, तो मन में होता था डॉक्टर बनना है, और जब हम मैथ्स ग्रुप लेते थे तो मन होता था IIT करना, उस समय रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, या तो IIT करना है मनियार मोतीलाल इंजीनियरिंग करना है या IIT रुड़की इंजीनियरिंग। मैंने विधायक की पेंशन लेने का निर्णय लिया, पहले मैंने मन बनाया था कि विधायक मुझे यूनिवर्सिटी की पेंशन मिलती है, विधायक की पेंशन नहीं लूंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं उन नेताओं में नहीं जो कहते कि मैं एक रुपये तनख्वाह लूंगा, कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, अखबारबाजी करता है। मैंने कहा नहीं, मैं पेंशन लूंगा और इस पेंशन से मैं गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, जिसका कोई नहीं है उसका आरक्षण उसकी मदद करेगा, ऐसे असहाय बच्चों को, असहाय बच्चों को। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे मोबाइल पे मैं दिखा सकता हूं, अगर 20 तारीख मेरी पेंशन आती है, एक घंटे के अंदर किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को MBBS करा रहा हूं, किसी को, और उनसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। किसी की माँ अंधी है, कोई कहीं चमोली का रहने वाला है, कोई टीरी का रहने वाला है, किसी को मैं MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, किसी कोई बच्चा, इस तरह में उनको वो जो मुझे पेंशन मिलती है उस पेंशन का मैं एक रुपये भी अपने घर पे खर्च नहीं करता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मुझे आत्म, जब ये पेंशन का मामला हुआ हमने उस समय भी लड़ाई लड़ी गैरसैंण के विधानसभा सत्र में, मेरी अध्यक्षता में पेंशन को लेकर कमेटी बनी, मेरी उस कमेटी ने कि भाई 1 अक्टूबर से पहले, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो उत्तर प्रदेश में नौकरी लगे, एडहॉक नौकरी लगे, अशासकीय विद्यालय में नौकरी लगे, उत्तर प्रदेश में रेगुलर हो गए, 2002 में रेगुलर हो गए, 2003 में रेगुलर हो गए, 1994 में रेगुलर हो गए, उनको उत्तर प्रदेश में पेंशन मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद अगर वो उत्तराखंड में रेगुलर नहीं हो पाए, 30 सितंबर 1905 से पहले अगर वो रेगुलर नहीं हो पाए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसी विसंगति है, मेरे तक पारस नहीं लगी गई, नतीजा ये पेंशन नहीं मिली। मैंने उसे फिर कहा कि मेरे मनोज जी, मनोज सैनी जी ने कहा है ये लड़ाई लड़ रहे उत्तराखंड के लोग, लड़ाई लड़ रहे, हमको लग रहा था उस समय, मैं क्योंकि राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, मुझे लग रहा था 2022 में उत्तराखंड में कोई परिवर्तन होगा, और जिस तरह दूसरे राजनीतिक दलों ने जिस विशेष करके दल नहीं चुने मैं हूँ, उस दल ने उत्तराखंड के कर्मचारियों से वायदा किया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम आपको पेंशन देंगे। और ये केस क्यों नहीं हो सकता है, जब हिमाचल में, जब राजस्थान, जहाँ बहुत सारे प्रदेश है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, जहाँ पुरानी पेंशन दी जा रही है, मैं उत्तराखंड की सरकार से भी और भारत सरकार से भी ये मांग करना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से, इस वीरांगना शरीर की धरती से, इस गंगा के किनारे हरिद्वार की धरती से, मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, ये केवल कर्मचारियों की आवाज नहीं है, ये उत्तराखंड के 2.5-3 लाख कर्मचारियों की आवाज नहीं है, आवाज उनके परिवार के लोगों की आवाज है, उनके बच्चों की आवाज है, पिता की आवाज है। और इसलिए आज उत्तराखंड भी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एकजुटता के साथ आप संघर्ष करके, ये कोई भीख नहीं मांग रहे आप, चाहे हरक सिंह रावत से, चाहे थामी से, दरगाह पे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा से दुआ करना चाहता हूँ, वाहेगुरु से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सबकी ये दुआ, आपका ये संघर्ष एक दिन कामयाब होगा।
आपको पेंशन मिलेगी, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। आवाज लगाएंगे, अभी तो नियम जारी है, सब लोग हाथ खड़ा करके करेंगे। देखिए क्योंकि आपको आदत नहीं, वैसे तो कर्मचारी शिक्षकों को आदत होती है लड़ाई लड़ने की, लेकिन बहुत दिनों से आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया है इसलिए आदत नहीं है, मुझे तो आदत है। लेकिन आप पेंशन, अगर जिसको पेंशन चाहिए वो हाथ खड़ा करे, जिसको नहीं चाहिए वो नीचे रखेगा। जोर से, अभी तो ली उंगड़ाई है, सड़कों पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन सबकी मांग कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, और जिसमें हिमाचल है, राजस्थान है, कई प्रदेशों ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की है, क्योंकि आज हमारा कर्मचारी 20 साल 35 साल सरकारी नौकरी करता है, दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करता है, सेवाएं देता है, प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और आज 20-35 साल नौकरी करने के बाद जब वो रिटायरमेंट जाता है, उसका बहुत सारे उनके बच्चे छोटे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और उनका आय का कोई स्रोत नहीं होता है, तो इससे जो है लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, विधायकों को, मैं जिसमें मैं भी हूँ, आज हम अगर एक दिन विधायक बन जाते हैं तो हमें तो पेंशन मिल सकती है, लेकिन जो टीचर, जो कर्मचारी 35 साल नौकरी कर रहा है, 40 साल नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन क्यों नहीं मिली? उसमें पहले मदन कौशिक जी थे, बाद में मदन कौशिक जी जब हट गए तो उनकी जगह दूसरे मंत्री बंसधर भगत जी उसमें उस सदस्य बने, सुबोध उनियाल जी थे। हमारी समिति ने एक सिफारिश की थी, वित्त विभाग उसके लिए तैयार नहीं था, हमारी समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन उस सिफारिश को सरकार कैबिनेट में नहीं लाई। मैं लड़ता रहा, कहता रहा कि भाई जो मंत्रिमंडल की कमेटी की सिफारिश है उसको कैबिनेट में लाया जाए, लेकिन वो सिफारिश लागू नहीं की। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, किसी की सरकार, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, देखिए ये हमारा प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, हमें हिमाचल से सीखना चाहिए। अगर आज हिमाचल अपने कर्मचारियों को पेंशन दे सकता है, शिक्षकों को पेंशन, छत्तीसगढ़ मानते हैं 5 राज्यों में पेंशन बहाल हो गया है, उत्तराखंड में रह रही है और अन्य प्रदेशों में रह रही है। देखिए उत्तराखंड में, देखिए बड़े प्रदेशों में है, उनके तमाम संसाधन होते हैं, हालांकि वहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड 100% सेवा से जुड़ा हुआ प्रदेश है, यहाँ बहुत कम खेती है, जो खेती थी भी वो उद्योग धंधों के कारण और राजधानी बनने के कारण, सड़कों के कारण अब खेती नहीं बची है, बारिश समय पे नहीं हो रही है, बंदर, मैं तो वन मंत्री रहा हूँ, बंदर खा जाते हैं, तो खेती है नहीं, पेंशन मिलेगी नहीं, तो बुढ़ापा कैसे कटेगा? आज ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड की हरिद्वार जिले लोकसभा सीट से आप टिकट में मांग कर रहे हैं, उग्र से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तो आज यहाँ हरिद्वार जिले पहुंचे हैं इनकी मांग को लेकर। एक चीज सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने 97 में चंपावत जिला बनाया, बागेश्वर जिला बनाया, उधम सिंह जिला बनाया, कपकोट तहसील बनाई, मुझे वहां से तो चुनाव ना, मैं अभी लड़ाऊ ना लड़ूंगा, नहीं आप टिकट की मांग कर रहे हैं यहाँ से, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो ठीक है, मैं चुनाव लड़ना एक अलग चीज है,
अगर मैं हरिद्वार से चुनाव नहीं भी लड़ूंगा तो क्या जो वाजिब मांग है, और ये केवल हरिद्वार के लोगों की मांग नहीं है, ये मांग तो पूरे प्रदेश की, पूरे प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों की मांग है। आज इस लड़ाई को हम यहाँ बिगुल बजाने के लिए पूरे प्रदेश में, इस समय देहरादून में भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, अल्मोड़ा में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो एक्टिव आप हरिद्वार जिले में से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि यहाँ हमारे यहाँ आप लोगों से ज्यादा प्रेम है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए? भाई अब कहीं तो शरीक होगा ना, यज्ञ हो रहा, माना 50 जगह यज्ञ हो रहा है, आहुति देने सब जगह तो जा नहीं पाएगा आदमी, तो मैं उस जो महायज्ञ हो रहा है ओल्ड पेंशन का यज्ञ, उसमें आहुति देने के लिए हरिद्वार में गंगा गंगा के किनारे की धरती पर आया। यदि सरकार इनकी मांगों को क्या एक्शन रहेगा आपका, क्या एक्शन रहेगा? हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम चाहेंगे कि यही सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो देखिए समय बदलते हुए देर नहीं लगता है, अच्छे अच्छे लोगों को समय नहीं रहा। सरकारी घोटालों को लेकर बता दो इस बारे में। देखिए मैं बहुत लंबी बात, क्योंकि मैं आज क्योंकि वो बात चली, अगर बहुत सारी चर्चाएं होंगी तो फिर न्यूज का मजा नहीं आएगा। मैं तो केवल ओल्ड पेंशन पे बात होनी चाहिए। एक मजदूर सारी जिंदगी मजदूरी करता है, व्यापारी सारी जिंदगी व्यापारी, एक 60 साल लगातार तनख्वाह पाए व्यक्ति को पेंशन क्यों मिलनी चाहिए? इसलिए मिलनी चाहिए, आप ये सोचेंगे आईएएस भी 30 साल नौकरी करता है, अफसर रहता है, उसको क्यों मिलनी चाहिए? भाई आईएएस क्यों मिलनी चाहिए, आईपीएस को क्यों मिलनी चाहिए, पीसीएस को क्यों मिलनी चाहिए? अगर उसको मिल सकती है तो एक शिक्षक कर्मचारी को क्यों नहीं मिल सकती? आप एक सोचो ना कि हम कह सकते हैं कि साहब वो इंडिया का सर्वोच्च मतलब योग्य व्यक्ति था, आईएएस बना, इसलिए उसको पेंशन हमने उसको भी तनख्वाह मिली है, उसको नौकरी उसको हमने पेंशन भी दी। आईपीएस को, आईएफएस को, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन कस्टम सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन तमाम जो इंडियन सर्विसेज हैं उनमें सबको पेंशन मिलेगी। स्टेट की जो प्रशासनिक सेवाएँ हैं पीसीएस पीपीएस पीएस उनको पेंशन मिलेगी, अगर उनको मिलेगी उनको भी तो पूरे जिंदगी भर वेतन मिला है ना, आप मजदूर से क्यों तुलना कर रहे हैं? देखिए हर व्यक्ति का अपना काम है, आप कह सकते हो कि साहब वो योग्य थे इसलिए हमने उनको वेतन भी दिया, जिम्मेदार पदों पे थे वेतन भी दिया और इसलिए उनको पेंशन भी दे रहे हैं। तो शिक्षक भी योग्य है, उसने भी एमए किया, एमएससी किया, एमटेक किया, तब वो बीएड किया, तब वो टीचर लगा, वो लेखपाल का कंपटीशन उसने भी दिया, वो उतना योग्य नहीं था आईएएस बना, लेकिन वो उससे कम योग्य था। लेकिन मजदूर कुछ मामलों में देखिए मजदूर से तुलना नहीं कर सकते आप हर चीज़ की, मजदूर का अपना काम है। अगर आज इन्होंने जो देखिए आदमी नौकरी करता है वो मेहनत करता है, जैसे मैं भी जब पढ़ता था मेरे मन में भी होता था कि मैं मेहनत करूँगा, अव्वल लाऊंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, कंपटीशन में बैठूंगा, बीएड में बीएड के कंपटीशन में बैठूंगा, बीएड करूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी और मैं पढ़ाऊंगा और पेंशन भी मिलेगी। तो आदमी उस उम्मीद से मेहनत करता है, मजदूर को भी अगर मजदूर भले ही मेहनत करता है हमसे ज़्यादा मेहनत करता है, मैं इसमें कोई उसकी मेहनत उसके किसान की मेहनत पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। भाई भाई हेलो हेलो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, शिक्षक एकता जिंदाबाद।
कहा जाते हैं उसके बाद Vamos, ¿eh?